देव रूपम रमणीयतायाः, क्षण क्षण में जिनका सौंदर्य माधुरी निखरता चला जाता है, ऐसे हमारे श्री रामकृष्ण नारायण यही इनका मंगलमय रूप है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो हम मोह निशा लवलेशा, ऐसे हमारे श्री रघुनाथ जी जो हैं यही सच्चिदानंद है, उनका यह मंगलमय दिव्य स्वरूप है। तो रूपाशक्ति कैसी हो? बोले कामी पुरुष की जैसे दुर्भाग्य से मलमूत्र भांड रूप में आसक्ति होती है, ऐसे हे श्री रघुनाथ जी आपके सच्चिदानंद घन स्वरूप में कामी पुरुष से भी करोड़ों करोड़ों गुनी आसक्ति हमारी आपके मंगलमय स्वरूप में हो जाए। तो बहुत सुंदर स्वामी जी ने कहा है, बोले नाम और रूप ये संसार में नाम रूप में है, इस नाम रूप में जगत से छूटने का उपाय क्या है? बोले नाम रूप का आश्रय, तो नाम और रूप में प्रीति हो। रूप में प्रीति कैसे हो? बोले जैसे कामी पुरुष की स्त्री में प्रीति होती है, रूप में प्रीति होती है, ऐसी हमारी आपके मंगलमय स्वरूप में प्रीति हो। और नाम में प्रीति कैसे हो? बोले लोभी प्रिय जिमीदान, लोभी की रूप में प्रीति नहीं होती, उसकी नाम में प्रीति होती है, गिनती में प्रीति होती है। जैसे एक उदाहरण दें, लोभी आदमी है, बहुत भारी लोभी आदमी है, उसको एकदम कड़ा, एकदम रिजर्व बैंक से अभी निकला हुआ ताजा नोट 100 का उसको दो, और एकदम सड़ा सा पुराना सा 1000 का नोट दो, का देखो ये कड़ा है एकदम नया है और ये पुराना है, कौन लेगा इसमें? 1000 वाला लेगा, 100 वाला नहीं लेगा। क्यों? उसको जो है भले ही देखने में कड़क है, बढ़िया है, नया है, पर उसकी नए में प्रीति नहीं होगी, क्योंकि गिनती नए वाले की कम है 100 है और पुराने वाले की ज्यादा है 1000 है। ऐसे ही स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का भाव है कि लोभी के समान हमारी नाम में प्रीति हो। लोभी व्यक्ति को संख्या प्रिय होती है, ऐसी इतनी प्रिय हो जाए नाम की संख्या, इतनी प्रिय हो जाए नाम की संख्या कि महाराज एक एक नाम का उच्चारण करने में हमको इतनी प्रीति हो जाए, इतनी प्रीति हो जाए कि नाम से विमुख यदि हमारा कोई क्षण जाए तो मैं भगबड़ा जाऊं। महाराज जी एक जोधपुर में एक संत थे, उनका नाम था श्री बुद्धाराम जी महाराज, राजस्थान जोधपुर की बात है। श्री बुद्धाराम जी महाराज उन्होंने राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य खेड़ापा वाले महाराज जी से, संत जो आचार्य थे उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, और दीक्षा प्राप्त करके उनके गुरु जी ने कहा कि तुम नाम जप करो। जोधपुर के थे, अपने घर में ही नाम जप करने लगे, अपनी माता जी के सहित में नाम जप करने लगे। तो श्री बुद्धाराम जी महाराज राम राम करते करते इतनी प्रीति राम नाम में उनकी लगी कि पहले तो वे 8 घंटे सोते थे रात्रि को, और बाकी समय शरीर की कुछ क्रिया में जो समय लग जाता उसके अतिरिक्त केवल भजन करते थे, और 24 घंटे में एक बार भोजन करते थे। पर धीरे धीरे उनकी इतनी प्रीति बढ़ गई नाम में कि 8 घंटे की निद्रा 4 घंटे तक पहुंच गई, सहन नहीं होता उनको 8 घंटे सोना, 4 घंटे सहन करने लग गए, साधन में और तीव्रता आ गई। एक दिन उन्होंने माता जी से कहा कि माँ मैं आज प्रसाद नहीं पाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा। क्यों? बोले रोटी चबाने में इतना समय लग जाता है, नाम जब टूट जाता है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा, गिनती कम रह जाती, धोबी को संख्या प्रिय होती ना, अब इतने में तो कितने 1000 कितने करोड़ कितने लाख कमा लेते, इतना हमारा घाटा हो गया, तो बहुत घाटा हो जाता माता जी भोजन करने में। माँ ने कहा बेटा कैसे होगा, बिना खाए शरीर कैसे चलेगा? क्या कहते थे पुत्र वाले महाराज जी, बिन भोजन बिनु पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के
मिले न मन को शांति। बोले महाराज ये पेट क्रांति मचा देता है तो कुछ खाना तो पड़ेगा। पुत्र ने कहा हमको इतनी बात करने का समय नहीं है आपसे। बुद्धाराम जी ने कहा तब क्या करें। बोले पतला दलिया खिचड़ी बना दिया करो, उसको पी करके भजन में बैठ जाओ, कुछ जल्दी हो जाएगा, दबाना नहीं पड़ेगा, रोटी जमानी पड़ती है। तो वो दलिया और खिचड़ी, कभी दलिया बना देती कभी खिचड़ी बना दी, 24 घंटे में एक बार। एक दिन बोले माँ मैं ये भी नहीं पाऊंगा। क्यों? बोले ये गर्म रहता है तो इसको ठंडा करो, धो धीरे धीरे खाओ, बड़ी परेशानी होती, उतना भजन छूट जाता है, नाम जब छूटता है, मैं ये भी नहीं खाऊंगा। तब क्या करें। बोले जब एकदम ठंडा हो जाए करे तब बुलाए करे। मैया ने कहा ठीक है, भोग लगा के घर देती, खूब ठंडा हो जाता तब बुलाती, बेटा बुद्धाराम फटाफट पी जाते। लेकिन फिर भी दलिया में और खिचड़ी में भी कुछ ना कुछ चबाना तो पड़ता है क्योंकि कण रहते हैं। बोले माता जी ये भी सहन नहीं हो रहा, इतना लोभ बढ़ गया उनको वजन के लिए। बोले ये भी सहन नहीं हो रहा तब क्या करें। बोले तो ऐसा कर राबड़ी बना दिया था, राबड़ी होती ना छाछ, राबड़ी आटा उबाल देते हैं कभी छाछ में कभी दूध में, तो वो घोल उबाल दिया कर उसको मैं पी लिया करूंगा। और ऐसा ही करते एक कटोरी राबड़ी घूट जाते पी जाते और 24 घंटे भजन करते। हमने ऐसा सुना है बुद्धाराम जी के बारे में कि वे 24 घंटे में उनको ऐसी अवस्था आ गई कि 1 घंटे भी सहन उनको मुश्किल हो जाता। आज हमने प्रवचन के प्रारंभ में जिन श्री जटिया बाबा का स्मरण किया, उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि वे श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, ये रामकृष्ण परमहंस देव जी के काल में हुए, रामकृष्ण परमहंस देव जी का काल उनका काल एक ही काल है। तो उनके संबंध में लिखा है कि वैसे वे प्रायः एकांत में ही रात्रि में रहते थे, पर कोई ऐसी स्थिति थी कहीं स्थल कम था तो वहां उनके साधक शिष्य भी वहीं थे और वे वहां बैठे थे। तो पहले तो उन्होंने प्रतीक्षा की महाराज सो जाएं, जब देखा महाराज ध्यान में बैठे तो वो शिष्य था वो लेट गया, सो गया, नींद आई लेट गया। थोड़ी देर बाद फिर उठा तो देखा महाराज जी लेटे हैं, बैठे हैं महाराज। भाई क्यों उठ गया, अभी तो रात बहुत है, सो जाओ। फिर सो गया, फिर उठा देखा महाराज फिर बैठे हैं। पूरी रात उसने जग के देखा घंटे, महाराज जैसे बैठे विग्रह की तरह बैठे हुए। प्रातःकाल सवेरे 4 बज गया 5 बज गया तब भी महाराज वैसे आसन पर बैठे, 5 बजे उठ करके वे स्नान के लिए। जब 5 बजे उठ के जाने लगे तब स्नान का समय हो गया तो शिष्य ने कहा महाराज जी आप हमसे तो बार बार कहते थे कभी बहुत रात है सो जाओ, आप तो सोए नहीं। तो मुस्कुराकर जटिया बाबा ने कहा इतने अमूल्य जीवन को, इतने अमूल्य समय को खाने सोने पीने में नष्ट करना, इससे बड़ा घाटा और कोई दूसरा। यद्यपि उनके अहर्निश नाम चलता था पर वो दिन में तो बहुत से लोग घेरे रहते हैं, भजन का समय तो रात में ही मिलता है, तो रात का समय ऐसे बर्बाद हो जाए ये हमको सहन नहीं है। जैसे लोभी आदमी सब कुछ सहन कर सकता पर घाटा सहन नहीं कर सकता, ऐसे ही लोभी ही प्रिय जिमी दाम, नाम का घाटा होना नहीं चाहिए। तो रूप में प्रीति कैसी हो, बोले कामी व्यक्ति के समान। और नाम में प्रीति कैसी हो, बोले लोभी व्यक्ति के समान नाम में प्रीति हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो स्वामी जी ने कहा है कि मानस जी में गोस्वामी जी ने अंतिम में भगवान से यही मांगा है कि नाम और रूप में प्रीति हो। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम। अब प्रश्न उठा कि नाम और रूप इन दोनों में प्रीति में सुलभता किसमें है, रूप में सौलभ्य है कि नाम में।
नाम में सौलभ्य है, रूप में सौलभ्य है कि नाम में सुलभता किसमें है? बोले रूप में दुर्लभता है और नाम में सुलभता। रूप सबको दुर्लभ है और बिना नाम के रूप का बोध भी हो जाएगा तो उसका कोई स्वाद मिलेगा नहीं, ये चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन सौलभ्य जो है वो नाम में है। इसलिए अंतिम बात क्या हुई? नाम में अनुराग। जब नाम में अनुराग होगा तभी रूप प्रकट होगा, और नामानुराग के बिना, नामाश्रय के बिना, नामानुराग के बिना कथंचित रूप प्रकट भी हो जाएगा तो भी साधक को उस रूप का कोई सुख स्वाद मिलेगा नहीं, कोई आनंद नहीं मिलेगा। आप लोग कहें कोई उदाहरण दो, बिना नाम के रूप प्रकट हुआ हो स्वाद न मिला हो। अरे भैया प्रत्यक्ष उदाहरण है, शूर्पणखा राम राम नहीं करती थी, भजन नहीं करती थी, और उसे रूप मिल गया राम जी का। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा, विकल हो गई। और महाराज वो व्याकुल हो गई, वो अपने मन को रोक नहीं पाई, उसको कहां अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई। मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो सहज स्वरूप मिलना चाहिए था उसको कि नहीं? पर राम जी का दर्शन करके भी सहज स्वरूप नहीं मिल रहा है, क्यों? बोले उसने नाम के द्वारा रूप की प्राप्ति नहीं की है, सीधे रूप मिल गया इसलिए उसको लाभ नहीं मिला। विदुर जी उसी सभा में भगवान के रूप का दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं, और नाम विमुख, नाम निष्ठ संतों का अपमान करने वाला दुर्योधन उसी सभा में बैठा है, शकुनी उसी सभा में बैठा है, तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके भी उसके भीतर कोई आनंद नहीं उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब है बिना नाम के रूप भी प्रकाशित होता नहीं है। इसलिए भैया मूल में नामी की प्राप्ति नाम से ही संभव है, रूप की प्राप्ति भी नाम से ही संभव है। इसलिए राम जी की वंदना करके फिर राम जी के नाम की वंदना करते हैं। गिरा अरथ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहिं परम प्रिय खिन्न। बंदौ रा नाम राम रघुबर को, बंदौ नाम राम रघुबर के, हे तू कृषानु भानु हिम कर को, हे तू कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, विधि हरि हर अगुण अनुपम गुण निधान को, अगुण अनुपम गुण निधान को। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज तो भूमिका ही समझिए, नाम वंदना क्यों करनी चाहिए, नाम प्रेम जागृत करने के लिए कल इसके आगे की चर्चा हम करेंगे।